बम बम हरिहर बम नारे कंपुची आज उत्तर ओडिशार प्रसिद्ध शैवपीठ बाबा पंचलेश्वर पीठ से आपत देखुए श्रावण मासर आज द्वितीय सोमवार जो जो जलदान करने बाबा पीठ से हजार हजार कावड़िया आज लंबा लाइन रही जेहेतु कहुए पवित्र जो पुण्य मास जो अच्छी महादेव जो मुंडे जो जलदान कले कोटि पुण्य मिलता है तेरे ये जो आप सीधा सड़क चित्र देखुए बाबा पंचलेश्वर पीठ से जो उत्तर ओडिशार प्रसिद्ध शैवपीठ बाबा पंचलेश्वर जो नीलगिरी जो पुलढ़िया अभयारण्यर जो देवगिरी पहाड़ अच्छी देवगिरी पहाड़ जो मध्य भाग में जो झरणार जो जलराशि भितर बाबा पंचलेश्वर जो अवस्थान करनादि कालर जो बाबा अवस्थान कर सीधा सड़क चित्र देखुए किभली जो कावड़िया मैंने आसीच्च मानसिक पूर्ण जल बाबा मुंडल दान करने सहित बाबा आम तालचेरु आसलु बाबा कृपा जोगी आम आज बाबा दर्शन भी करूँ आम पा उठेलु यू 13 किलोमीटर दूर आबा आशीर्वाद रू ए आसपाल जीवन में मुझे फर्स्ट टाइम आसी बहुत खुश हो एत दूर आसिले पा कौट आनी केमती कौन सब आम पा उठेलु आउ बहुत जल्दी पहुँची जाइलु बाबा इच्छा कि मानते माने असुविधा भी किसी है बहुत जल्दी पहुँची बहुत भल लगला बाबा कृपार कौन जो कावड़िया माने जो अच्छा से मैंने भक्ति एवं श्रद्धार सहित बाबा पीठ से आसी पहुँचती आम सहित देखु ये चित्र देखुए पूरा पूरा लंबा लाइन अच्छी जेटा कि आपंकर उत्तर ओडिशार प्रसिद्ध शैवपीठ बाबा पंचलेश्वर पीठ आप देखुए महिला पुरुष एवं समस्ते आज एकाकार होती बाबा पीठ से और बाबा केते कौन कहे केत दूर आसी पा लेकिन आज आम कातिर बाहर का रातिर उठेलु आम सर पूर्व आम पा आम आसचु चांदबाली घंटेश्वर आमे देखुचु बहुत बहुत श्रद्धा ये आसिक बहुत श्रृंखलित रि जहाँ दर्शन कर ठाकुर जामर भी बहुत समय है आम बहुत अक्लांत परिश्रम चल चल आसु जहाँ भगवान का आशीर्वाद रु समस्ते भल रुंतु ओडिशावासी समस्त भल रुंतु बस ये भगवान पाखे प्रार्थना श्रद्धा और भक्ति थिले भगवान भी आपन को दर्शन दे कोटु पानी लेके आसते कष्ट कष्ट कौन हम बहुत ही भल लगुच आसिक पानी ढाल मनस्कामना पूरण हम बहुत भी खुश लगुच केमती कौन व्रत रखी सेमती किसी व्रत नाई बस एमती वर्ष को थे तो भगवान पाखे आसीच श्रद्धा और भक्ति थिले भगवान दर्शन दिखती आज भगवान को दर्शन करेंगे खुशी अच्छा बहुत खुशी अच्छे पानी आनते हमें घर बालेश्वर बहुत भल आम आसते बालेश्वर बालेश्वर पानी आम यू आंदिर गड़िया शुणुले देखो महिला भक्त मैंने अच्छा जमीक श्रद्धा भक्तिर सहित आसी जो लंबा लाइन रही भक्त भगवान आज मिलन स्थल बाबा पंचलेश्वर पीठ से आप देखुए ये जो अच्छी जो बाबा पीठ से किभली तो गाउड़िया मैंने मनस्कामना पूर्णपाई मनस्कामना पूर्णपाई जलराशि नहीं कि महादेव पाक आसती भक्ति और श्रद्धार जो अच्छी पीठ जो पंचलेश्वर पीठ से कौन केमती रही है जरा आम आसी बारिपदा मयूरभंजू आमे प्रथम गले पुरी पुरी आसिलु पंचलिंगेश्वर पानी उठेलु तलु आसिक आम ये बाबा पाखे चढ़ेलु कौन कहे माँ कौट आसी पा नहीं कि कौट कौट सब आसते रूपसार आसते बालीघाट रु पा उठ रूपसार आसते दीर्घ 30 किलोमीटर धरिक बाट आसिले केमती वर्षा हो दीर्घ आउ तीस दीर्घ तीस किलोमीटर आसिले आउ काली वर्षा होने थे कष्ट बहुत होती प्रभु को डाकिदेवे आटादार डाक दिंतु महादेव पूरा विश्वास अच्छी पूरा से विश्वास महादेव को विश्वास अच्छी विश्वास पड़ी आसे आम सहित अच्छा पूजक अच्छा रना कौन कहे नीतिकांति केमी चली प्रतिदिन ठाकुर नीतिकांति हुए आज भी से भाया आउ लोक मान संख्या बढ़ी भक्त मैंने आस ठाकुर को पा ढाड़ अंडा ए बर्ष पा टे कमी जा बर्षा भल है आ लोक मैंने भल भाव देखी पार्टी
ଗତ ବର୍ଷ ପାଣି ଥିଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ପାଣି ଢାଳି ଠାକୁର ଅଣ୍ଡାଳିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଠି ତ ଠାକୁର କେବଳ ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି, ଯିଏ ଆସିବ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅଣ୍ଡାଳିକି ଦେଖିବ ଜାଣିବ। ଶୁଣୁଥିଲେ ପୂଜଙ୍କ ବା ଯେଉଁ ପୀଠରେ ଯେଉଁ ପୂଜଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କିଭଳି ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ଚାଲିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଭକ୍ତି ଓ ଭାବରେ ଆଜି ଭିଜୁଛି ପୁରା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠ। କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲେ? ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ବାଲିଘାଟ ଘାଟରୁ ଆମେ ପାଣି ବୁଡ଼େଇକି ପାଣି ଢାଳିକି ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଦର୍ଶନ କରି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି ଆମେ ଆରାମରେ ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରୁଛୁ, ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବି ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି। ଭକ୍ତି ଏବଂ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏତେ ଦୂର ଦୀର୍ଘ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଯାତ୍ରା କେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣ? ଯାତ୍ରା ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ରାସ୍ତାଟା ଯେଉଁ ଯେପରି ହେଇଛି ତା'ମାନେ ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆରାମରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆସିପାରିଲୁ, ସେଇଟା ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିପାରିଲୁ ଆଉ। ସେ ତାଙ୍କ ମହିମା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କେମିତି କ'ଣ? ଦର୍ଶନ କଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ବି ଠିଆ ହୋଇକରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ବହୁତ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ବି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେତେ ଦୂର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ଯେତେ ଦୂର ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ମାସ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଜଳଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା କୋଟି ପୁଣ୍ୟର ସେ ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଥିଲା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠରେ, ନୀଳଗିରି ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।